हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बात करने वाले कोड गियास एनिमे सीरीज के वॉच नोट के ऊपर। इससे एनिमे के रिलेटेड इसके तमाम सीजन्स, मूवीज और इसके स्पेशल एपिसोड्स के ऊपर हम बात करेंगे, तो जितना इजी और सिंपल हो सके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज को स्टार्ट करेंगे इसके सीजन 1 से, जिसका नाम था कोड गियास लेलूश ऑफ द रेबिलियन। ये सीजन रिलीज हुआ था अक्टूबर 6, 2006 को। इस सीजन के अंदर आपको टोटल 25 एपिसोड देखने को मिलेंगे और एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट। और माय एनिमलिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिली है 8.69 की। तो सीजन 1 देखने के बाद अब इसके कुछ स्पेशल एपिसोड देख सकते हैं, जिसका नाम था कोड गियास लेलूश ऑफ द रेबिलियन पिक्चर ड्रामास। इस स्पेशल एपिसोड रिलीज हुए थे जून 27, 2007 को। ये टोटल 9 एपिसोड्स हैं और एपिसोड की लेंथ है नियरली 4 मिनट। और माय एनिमलिस्ट पर इन एपिसोड्स को रेटिंग मिलती है 6.92 की। अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। इस साल में रिलेटेड बहुत सारे इस किस्म के स्पेशल एपिसोड्स हैं, लेकिन ये ज्यादा स्टोरी के रिलेटेड नहीं है। तो इन एपिसोड्स को देखने के बाद अब इसे एक स्पेशल एपिसोड देखेंगे, जिसका नाम था कोड गियास लेलूश ऑफ रेबिलियन स्पेशल एडिशन ब्लैक रेबिलियन। ये ओवी एपिसोड रिलीज हुआ था फरवरी 22, 2008 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ की टोटल 1 आवर एंड 57 मिनट। और माय एनिमलिस्ट पर इस एपिसोड को रेटिंग मिलती 7.58 की। तो इस ओवी एपिसोड को देखने के बाद अब इसका सेकंड सीजन देखेंगे, जिसका नाम था कोड गियास लेलूश ऑफ रेबिलियन R2। ये सीजन रिलीज हुआ था अप्रैल 6, 2008 को। इस सीजन के अंदर आपको टोटल 25 एपिसोड देखने को मिलेंगे और एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट। और माय एनिमलिस्ट पर इस सीजन को रेटिंग मिलती 8.91 की। और ये सीरीज का सबसे पॉपुलर हाईएस्ट रेटिंग सीजन है। तो इस सीजन को देखने के बाद अब इसका एक सेकेंड ओवी एपिसोड देखेंगे, जिसका नाम था कोड गियास लेलूश ऑफ रेबिलियन R2 स्पेशल एडिशन जीरो रिक्यूम। ये ओवी एपिसोड रिलीज हुआ था जुलाई 24, 2009 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ की टोटल 1 आवर एंड 56 मिनट। और माय एनिमलिस्ट पर इस एपिसोड को रेटिंग मिलती 7.78 की। तो इस ओवी एपिसोड को देखने के बाद आप इसका एक स्पेशल एपिसोड देख सकते हैं, जिसका नाम था कोड गियास लेलूश ऑफ रेबिलियन किसकी नो बर्थडे। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था अप्रैल 23, 2010 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ है टोटल 27 मिनट। और माय एनिमलिस्ट पर इस एपिसोड को रेटिंग मिलती 6.83 की। और काफी पॉपुलर स्पेशल एपिसोड था। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसके रिलेटेड एक स्पेशल मूवी देखेंगे, जिसका नाम है कोड गियास इकाटो द एक्सल्ट द वेवरन अराइवल्स। ये मूवी रिलीज हुई थी जुलाई 16, 2012 को। इस मूवी की लेंथ 51 मिनट। और माय एनिमलिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिलती 7.35 की। मोस्टली एनिमे फैंस को कंफ्यूजन होती है कि क्या ये मूवी स्टोरी के रिलेटेड है या नहीं। अगर हम इसकी स्टोरी के ऊपर बात करें तो इसकी स्टोरी सीजन 1 और सीजन 2 के बीच की स्टोरी है, जो आपको इस एनिमे के रिलेटेड एडिशनल डिटेल बताता है। तो ये मूवी स्टोरी के रिलेटेड और इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो इस मूवी को देखने के बाद इसका सेकेंड पार्ट रिलीज हुआ था, जिसका नाम था कोड गियास इकाटो द एक्सल्ट 2 द वेवरन डिवाइडेड। ये मूवी रिलीज थी सितंबर 14, 2013 को। इस मूवी के अंदर टोटल 59 मिनट। और माय एनिमलिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिलती 7.47 की। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इसकी थर्ड मूवी देखेंगे, जिसका नाम था कोड गियास इकाटो द एक्सल्ट 3 द ब्राइटनेस फॉल। ये मूवी रिलीज हुई थी मई 2, 2015 को। इस मूवी की लेंथ 59 मिनट। और माय एनिमलिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिलती 7.28 की। तो थर्ड स्पेशल मूवी देखने के बाद अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, जिसका नाम था कोड गियास इकाटो द एक्सल्ट मेमोरीज ऑफ हेट्रेड। ये मूवी रिलीज हुई थी जुलाई 4, 2015 को। इस मूवी की लेंथ 59 मिनट। और माय एनिमलिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिलती 7.23 की। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसका नाम था कोड गियास इकाटो द एक्सल्ट टू बी लव्ड वंस। ये मूवी रिलीज हुई थी फरवरी 6, 2016 को। इस मूवी की लेंथ टोटल 59 मिनट। और माय एनिमलिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिलती 7.13 की। तो इन स्पेशल मूवीज को देखने के बाद अब इसकी 3 मूवीज देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट मूवी का नाम है कोड गियास लेलूश ऑफ द रेबिलियन 1 इनिशिएशन। ये मूवी रिलीज हुई थी अक्टूबर 21, 2017 को। इस मूवी की लेंथ है टोटल 2 आवर एंड 15 मिनट। और माय एनिमलिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.29 की। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसका नाम था कोड गियास लेलूश ऑफ रेबिलियन 2 ट्रांसग्रेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी फरवरी 10, 2018 को। इस मूवी की लेंथ है टोटल 2 आवर एंड 12 मिनट। और माय एनिमलिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिलती है 7.65 की। तो इस मूवी को देखने के बाद अब इसकी थर्ड मूवी देखेंगे,
जिसका नाम था कोड गियास ललूश ऑफ द रेबिलियंस 3 ग्लोरिफिकेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी May 26, 2018 को। इस मूवी के लिए था टोटल 2 hours and 20 minutes और माय एनिमी लिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिल दी 7.99 की। अगर हम इन तीनों मूवीज की स्टोरी के ऊपर बात करें तो मोस्टली ये तीनों मूवीज रिकैप हैं इनके फर्स्ट 2 seasons का, लेकिन इन मूवीज की वीडियो क्वालिटी आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगी क्योंकि जो इसके ऑफिशियल सीजन है वो 2009 को रिलीज हुआ था और इसकी जो मूवीज है ये रिसेंटली 2017 और 18 में रिलीज हुई हैं। इसके अंदर आपको बेटर एनिमेशन और हाई रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। अगर आप इसके मेन सीजन नहीं देखना चाहते और आप ये तीनों मूवीज देख लेंगे तब आप एनिमे की पूरी स्टोरी को समझ पाएंगे बिना कुछ मिस किए। अदरवाइज अगर आपने सीजन देख लिए हैं तो आप इन मूवीज को स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं सीरीज की सबसे इम्पोर्टेंट मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो स्टोरी के रिलेटेड है और इस एनिमे सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एंड करता है, जिसका नाम है कोड गियास ललूश ऑफ द रेजरेक्शन। ये मूवी रिलीज हुई थी February 9, 2019 को। इस मूवी के लेंथ टोटल 1 hour and 52 minutes और माय एनिमी लिस्ट पर इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.91 की। इस मूवी के अंदर आपको सीजन 2 के बाद की स्टोरी को दिखाया जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्टोरी के रिलेटेड है जो आपको इस एनिमे को बहुत ही अच्छे तरीके से एंड कर देता है। अभी तक इसके बाद कोई अपडेट नहीं है, इसके बाद कोई न्यू सीजन या कोई स्पेशल मूवी या कोई स्पेशल सीजन आएगा। जैसी कोई अपडेट आएगी तो अपने YouTube चैनल में बता दूंगा। इसके तमाम एपिसोड्स आपको इंग्लिश सब और डब दोनों में देखने को मिल जाएंगे तमाम किस्म की एनिमे वेबसाइट्स पर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपके फेवरेट एनिमे के वॉच और बताता रहूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।